अस्सलामुअलैकुम, मैं मोहम्मद आतिफ, हम बताएंगे कि चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त जेजब के सामने वाली लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे लास्ट दो दिन जो प्रोग्रेस रही है वो फुटपाथ के ऊपर ये पेंट किया गया है। मैं आपको दूसरी तरफ की पोजीशन भी दिखा देता हूँ, जहाँ पर फुटपाथ के ऊपर ये पेंट किया गया है, ये वापस रास्ता बैतुल हिना की तरफ को जा रहा है। लास्ट दो दिन में ये प्रोग्रेस नज़र आई है। मस्जिद में आगे की तरफ चलता हूँ। इसके अलावा आज रोड कारपेटिंग का काम भी चल रहा है, मैं वहाँ पहुँच के उसके व्यूज में शूट करता हूँ। मैं इस वक्त चेजब के बिल्कुल सामने लोकेशन पर हूँ। ये इस वक्त जिस लोकेशन पे आके मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने इरम शॉपिंग मॉल है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि आज सर्विस रोड पे कारपेटिंग का काम चल रहा है। ये सामने रास्ता सुलेरा और उससे आगे दातारे की तरफ को जा रहा है, और यहाँ पे मेरे बिल्कुल सामने इरम शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे सर्विस रोड पे कारपेटिंग का काम आज हुआ है, और इस वक्त ये सर्विस रोड फ्राउज है, व्यू के सामने से होता हुआ किंग रेंसी की तरफ को जा रहे हैं। मैं अभी आगे चलता हूँ और मज़ीद यहाँ की पोजीशन शूट करता हूँ। सराउंडिंग की पोजीशन, मैं इस वक्त चेजब के बिल्कुल सामने वाली लोकेशन में मौजूद हूँ। ये सामने रास्ता झौड़ चरंगी की साइड से आ रहा है, और यहाँ पे सर्विस रोड पे कारपेटिंग का काम चल रहा था। मैं अगर आपको दूसरी तरफ की पोजीशन दिखाऊँ तो मेरे सामने चेजब, ये अहमद क्लिनिक वाला रोड है और इरम अपार्टमेंट्स हैं। इससे अगर मैं आगे की तरफ आपको दिखाऊँ तो ये रोड वापस फराज व्यू और उससे आगे किंग रेंसी की तरफ को जा रहा है। रोड कारपेटिंग का काम चल रहा है और ये सर्विस रोड को आज कंप्लीट किया गया है। मैं मज़ीद आगे चलूँगा और इसके सामने मज़ीद व्यूज शूट करूँगा। ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि रोड कारपेटिंग होने के बाद यहाँ पे ड्रेनेज के लिए होल किए जाएंगे। थोड़ा शोर है लेकिन मैं अपनी बात आपको कन्वे कर दूँ कि ड्रेनेज के लिए मैंने बताया था यहाँ पर कोर कटिंग की जाएगी। ये कोर कटिंग की जा रही है और इसका मकसद ये है कि यहाँ पे होल करके बारिश का पानी डायरेक्ट जो नाले या सैवरेज जो भी या स्ट्रोम बनाए गए हैं, नाले वगैरह बनाए गए हैं, उसके अंदर जाके ये पानी गिरेगा। ये जो पीस है ये कोर कटिंग चलाती है, इसको पीस को यहाँ काटा गया है। इस तरह यहाँ पे जो लेयर बिछाई गई हैं इसको काटा जाएगा और उसके बाद इसको नीचे ले जा के इसको क्लियर किया जाएगा। ये देखिए आप, यहाँ पर ये कंक्रीट पूरी काटी गई है और इसको निकाला गया है। ये कोर कटिंग चलाती है और यहाँ पर ये काम किया जा रहा है। ये भी एक टीम है, एक प्रॉपर काम है इनका कोर कटिंग का, ये आप देख सकते हैं। ये तमाम वो पॉइंट्स पे जहाँ से बारिश का पानी नीचे लाइन के अंदर मिलाना है वहाँ पे कोर कटिंग की जाएगी। आपको इससे रोड बनने से पहले कुछ होल वगैरह नज़र आ रहे थे, वो बाकायदा इसकी मार्किंग की गई है और ये उसी जगह पे इसको कटिंग किया जा रहा है, बारिश के पानी को नाले में डालने के लिए। मैं मस्जिद आगे चलता हूँ। ये प्रॉपर पूरा सिस्टम लेकर आए हैं जिसमें जनरेटर, पानी, हर चीज़ यहाँ मौजूद है। ये कोर कटिंग चलाती है। ये आप देखें, ये कटिंग करके यहाँ पे ये टीम अभी आगे से आगे जा रही है और ये बकायदा यहाँ पर एक कटिंग की गई है। इसी तरह ये एक और कटिंग है, और अगर मैं आपको तमाम पोजीशन दिखाऊं
तो बकायदा ये पूरे इस रोड के ऊपर कटिंग करते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पर एक इसकी कटिंग की गई है। इसके बाद जो मैंने आपको दिखाया है, इस एक पार्ट की कटिंग की गई है और अभी आगे काम चल रहा है। ये रेनिंग कोट कहलाता है, जो कि जॉइंट के लिए, पुरानी रोड और न्यू रोड के दरमियान जॉइंट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। ये मैं आपको दिखाऊं ज़रा करीब से, ज़रा भाई इसको ज़रा यूज़ करें तो मैं आपको करीब से दिखाऊं। ये रेनिंग कोट कहलाता है, ये एक प्रॉपर मशीन है, ये आप देखें, ये रेनिंग कोट, ये न्यू रोड और ओल्ड रोड के दरमियान जॉइंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। मैं इस वक्त किंग रेंसी के बिल्कुल सामने से पोजीशन पर खड़ा हुआ हूँ, रोड कारपेटिंग का काम यहाँ चल रहा है। इस वक्त ये मशीन यहाँ मौजूद है, मटेरियल का वेट अभी इस वक्त हो रहा है, ये मशीन यहाँ मौजूद है, किंग रेंसी के इस वक्त मैं बिल्कुल सामने वाली पोजीशन में मौजूद हूँ। इस सर्विस रोड को हिरम शॉपिंग सेंटर के सामने से लेकर आए हैं, और इस तक ये फराज व्यू को क्रॉस करते हुए किंग रेंसी के सामने मौजूद हैं। ये सर्विस रोड पे फाइनल कारपेटिंग का काम किया जा रहा है, मशीनरी आपके सामने मौजूद है। ये मैं इस वक्त ट्राइंगल के पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, ये बिल्कुल कामरान सोच के सामने वाली पोजीशन है, ये स्लेट्स यहाँ पे आ गई हैं। और यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वाटर बोर्ड की तरफ से यहाँ पे कनेक्शंस किए गए, और उसको कवर करने के लिए ये स्लेब्स यहाँ पर आ गए हैं, और इंशाल्लाह कल इसको यहाँ पर लगा दिया जाएगा। ये दो मेन होल्स हैं यहाँ पे वाटर बोर्ड के, और यहाँ पर ये स्लेब्स आ चुके हैं, और कल का कहा जा रहा है कि कल इसको यहाँ पर लगा दिया जाएगा। इसके अलावा मज़ीद आगे चलते हैं, कोई और पोजीशन प्रोग्रेस नज़र आती है उसको भी कवर करते हैं। बसेरा के सामने मौजूद हूँ, लास्ट टाइम यहाँ मैंने एक इशू को हाईलाइट किया था, एक बहुत बड़ा बीच में मेन होल था जिसको यहाँ पे कंक्रीट का एक कवर लाके इसको किया जा रहा है, और ये आज यहाँ पे लगा के इसको कवर कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल बसेरा के सामने वाली पोजीशन है, एक साहब ने इस इशू को हाईलाइट करने के लिए कहा था। ये मैं इस वक्त बिल्कुल बसेरा के सामने वाली पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ, और इंशाल्लाह आज इसको इंस्टॉल कर दिया जाएगा। मैं इस वक्त बिल्कुल रूफी हाइट्स के सामने वाली लोकेशन पे खड़ा हुआ हूँ, तो काम शुमाइल आर्केड के सामने से स्टार्ट किया गया है, और राबिया गार्डन के एंड तक ये जाएगा। ये सामने राबिया गार्डन का गेट नंबर 2 है, और मैं इस वक्त यहाँ इसके बिल्कुल सामने वाली पोजीशन पे खड़ा हुआ हूँ। इस वक्त टीम यहाँ काम कर रही है आपके सामने यहाँ के व्यूज़। ये पूरा पार्ट अभी रहता है, और जिस हिसाब से काम चल रहा है 2 दिन में हाल से इसको लगेंगे ये काम को कंप्लीट होने में। फिलहाल यहाँ पे टीम ये काम कर रही है, ये आपके सामने यहाँ के पहुँचे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। आप तमाम लोगों के सपोर्ट का बेहद शुक्रिया।